आज के टाइम पे जो थोड़ा अभी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया स्टडी का तो मतलब मैंने अभी तक अपनी जितनी स्टडी की है प्राइवेट कहीं भी मतलब मैंने स्टडी नहीं किया फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब वो दिखा नहीं था तब पांच मौसी है और एक मामा है तो फंड्स का मतलब मोस्ट ऑफ मामा मौसी ने वो किया है कभी भी कुछ दिक्कत है मामा मतलब मामा को फोन करो मामा कुछ कर दो यार ऐसा करके मतलब अभी तक मतलब मामा का बहुत रोल रहा है सो आई सीन वन डिफरेंस

मेरे एग्जाम है मैं दादाजी को कॉल करती हूँ या मेरा कुछ भी मेरे कॉलेज में चलता है तो दादाजी पहले ये पूछते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है ना चूजिंग लॉ एज एन आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई होल फैमिली हु हैज़ दिस फील्ड एंड आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी कॉमन सो इट्स अ फाइव ईयर कोर्स मेरे रिलेटिव सुनते ही ऐसे एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन uh, दे देते हरे पापे पाँच साल इतने साल पढ़ के क्या करेगी तू अभी हो गया है एज एन अभी आप उसी

Who have benefited from Reliance Foundation undergraduate scholarship program? The Reliance Foundation is dedicated to empowering students from all backgrounds, helping them reach to their full potential and excel academically. Whether your passion lies in science, the arts, technology, or any other field, this scholarship is your gateway to make significant strides. This is part of Reliance Foundation's 2022 commitment of 50,000 scholarships over 10 years. With the aim to nurture aspirations and celebrate excellence, this year 5,100 scholarships are open, which will be awarded on merit cum means basis. For undergraduates, 5,000 scholarships up to rupees two lakhs each, and for postgraduates, 100 scholarships up to rupees six lakhs each are waiting. Applications are invited from undergraduate and postgraduate students enrolled in the first year of their respective program in any location across India. Students can apply online through www.scholarships.reliancefoundation.org. Last date to apply, October 2024. Great things come from hard work and perseverance. No excuses. The students gathered here today are living examples of how dedication can lead to outstanding achievements. Welcome to Reliance Foundation Podcast Scholar Bhava. Merisat saath is Akhil. From doing odd jobs to make ends meet to now pursuing MBBS at Ames Rajkot akil savant has come a long way today we will know more about his inspiring journey and i have uh, ruchita Rajpurohit. ruchita is pursuing law at christ university pune uh, she credits her successes to two things her supportive family and the reliance foundation undergraduate scholarship the quality of gratitude along with hard work make her unstoppable let's explore her journey as well today welcome to reliance foundation podcast scholar bhava so of pele tell us about आपकी जर्नी आपकी चाइल्डहुड कहाँ से हैं आप सो आई एम फ्रॉम गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नोन फॉर द गिर द एशिक क्लाइंस आर फाउंड ओनली देर एंड आई जस्ट लीव जस्ट नियर द गीर नेशनल पार्क एंड इन माई फैमिली वी आर माई मदर माई फादर एंड माई ट्विन ब्रदर तो मदर का जो मतलब जो चीज़ होती है ना मतलब सारा जो मैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट है वो अपनी मदर को दूंगा फादर को भी दूंगा लेकिन मदर को थोड़ा ज़्यादा दूंगा क्योंकि वो जो है मतलब सेवन क्लास तक ही पढ़ी है आई थिंक सेवन क्लास तक लेकिन जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा है उनकी जो मतलब थिंकिंग लेवल था सो so, वो मुझे अभी रियलाइज़ होता है तो उनके लिए मैं अभी यहाँ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मम्मी को और पापा है जिन्होंने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है वेन माई फादर वॉज लाइक टेन ट्वेल्व ईयर ओल्ड माई ग्रैंड फादर लेफ्ट एंड उसके बाद मतलब पापा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो वो जो ट्रेट है ना वो मेरे को पास आउट किया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कैसे तो उसी वजह से मतलब सिचुएशंस की वजह से फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कंडीशंस की वजह से मतलब जो स्ट्रेंथ मिले इट इज़ टेन इयर्स आई एम नॉट एट होम लाइक इन हॉस्टल सो मच ऑफ द थिंग्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव सीन वन थिंग आई वुड लाइक टू वन थिंग इज दैट कि जितना आपके सामने मतलब वो आएगा ना कुछ बेरियर सो दैट मेक्स यू मतलब बुक में वो लाइन सबने पढ़ रखी है कि भाई चैलेंज मेक यू गिव यू स्ट्रेंथ बट वो लाइन सफिशेंट नहीं है लाइक like, मतलब समझ समझ सब लेते हैं तो चीज़ ये है कि मतलब जो बेरियर आया फिर हम रियल में हम जब उस चीज़ का वो सब लाइक फेस करते हैं तो वो एक माइंड में कंसोलिडेशन हो जाता है कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है तो वो चीज़ है और मैं मतलब बैकग्राउंड बताऊँ तो एक छोटा सा गांव है लाइक पॉपुलेशन तीन चार हज़ार है uh, मतलब जब मैं छोटा था तब गाँव का था, नाम, नाम है सरसिया गाँव है अमरेली um, डिस्ट्रिक्ट really में ही yeah? है और मतलब वहां से फिर लाइक uh, स्टार्ट like, हो जाता है uh, आप आप उस गांव से हैं hmm. तो यू नो फिर कहें तो स्टडीज में डिफिकल्टीज आती हैं स्ट्रगल uh, ज्यादा हो जाते हैं लोग आप ऑब्वियसली आपका फैमिली भी है तो uh, कहते हैं कि नहीं बिजनेस uh, में चले जाओ यू you नो know, उस टाइप की चीजें होती हैं आपने एज इन विलेज में क्या क्या स्ट्रगल फेस किए है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू जस्ट गिव यू यू आउटलाइन थिंक small child is there like uh, you can say five uh, five year to six year old he is just living in village so he is going he is going barefooted just is one polythene is there and one book is there or barely one slate is there so this boy see the transformation uh, some years late uh, before like in 2010 this boy is going to the school you imagine one transition when the लाइक वी के पर्दा चेंज होता है द बॉय इज कमिंग आउट एज इन वाइट एपोरों एंड वन स्टेथोस्कोप इट गिव्स मी वैन आई थिंक इट गिव्स मी गुजबम्स लाइक दैट सो दिज इज द मतलब दिस इज द आउटलाइन सो इन विलेज में अगर बात करूँ कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन तो ये है कि मतलब जैसे कि आज दोपहर को कुछ खाना है तो लाइक फाइव रुपीज़ की चटनी आ रही है थोड़ा सा तेल आ रहा है मतलब अभी थिंग्स आर थिंग्स गोट बेटर बट एट दैट टाइम लाइक मम्मी यूज़ टू सेंड मी लाइक बेटा जाओ uh, पाँच रुपये का धनिया ले आओ पाँच रुपये का ये लाओ देन सब्जी बन रही है फिर कल का कल देखेंगे मतलब वहाँ से मतलब जो स्टार्ट किया ना तो मतलब सब कुछ देख लिया हम लोग मतलब गाँव में फाइनेंशियल कंडीशन की अगर कर बात करूँ तो मतलब डिपेंडेंट रहता है सब पे पापा आज काम पे गए तो कुछ होगा इस महीने कुछ आया तो मतलब स्टडीज़ में क्या था कि मैं मतलब आज के टाइम पे जो थोड़ा अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया स्टडी का तो मतलब मैंने अभी तक अपनी जितनी स्टडी की है प्राइवेट कहीं भी मतलब मैंने स्टडी नहीं किया मोस्ट ऑफ द थ्रू द लाइक गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स वू हेल्प मी टू जस्ट लाइक अचीव दिस सो गांव में मतलब वन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास प्राइमरी स्कूल आप जाते हो बस आपको ए बी सी डी सिखाई जाती है और वहीं मतलब एक मतलब वो कुछ एक्सपोजर नहीं मिला था भाई सिटी में ये है आपको मतलब कैसे आगे जाके है तो गांव में फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास आई हैव स्टडीड देयर फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब वो दिखा नहीं था तब क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ यू नीड नथिंग लाइक यू नीड वन स्लेट वन पेन एंड दैट्स ऑल बट वैन आफ्टर फिफ्थ क्लास माय वन टीचर इज़ आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने मतलब एक बार एक होता है ना कि आपको दिखता है सामने कि उन्होंने देखा है कि बेटा ये अभी तक तो ठीक है बाहर सिटी में और बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है तो एक इंसाइट दिया उन्होंने और मदर का तो हर जगह रोल है ही मतलब उन्होंने मतलब बहुत आगे तक का उस टाइम ही सोच लिया था कि इन मतलब बेटे को बनाना है मतलब कुछ बड़ा होना है डॉक्टर बनाना है ऐसा सोच रखा था उन्होंने तो मतलब उन्होंने बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता था कि क्या करना है बेटे को अब कहाँ भेजना है क्या है सब बाकी सब मतलब रिलेटिव्स का भी बहुत रोल रहा है लाइक मेरी आंट्स मतलब पाँच मौसी है और एक मामा है तो फंड्स का मतलब मोस्ट ऑफ मामा मौसी ने ही वो किया है मतलब उनको मतलब बिग थैंक्स टू है लाइक

Uh, जब मैं छोटा था तो वी गो टू मैरिजेज एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट तो वहाँ मतलब रिलेटिवस के बच्चे आते हैं सो आई सीन वन डिफरेंस लाइक कुछ तो डिफरेंस है मतलब मैं गांव में पढ़ रहा हूँ मतलब दे आर मतलब गुड डेट फाइनेंस डेट सो दे आर उनका उनका उनके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे तो एक कुछ तो मेरे को डिफरेंस लगा कि यार मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ तो है जो मिसिंग है hmm. जो मतलब बाहर जो है उधर मिल रहा है ऐसा करके अगर मतलब यहीं पे कंटिन्यू किया तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा दूर तक मैं जा पाऊँगा तो ऐसा मतलब वहाँ से एक लगा कि नहीं समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग ग्रेट आई नीड टू डू तो वहाँ से मम्मी को मतलब मम्मी ने सोच रखा था इसको बाहर भेजेंगे तो वहाँ एक की रोल प्ले किया है मतलब जे एन वी नवोदया विद्यालय होता है तो मतलब उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उसमें मतलब लाइक like, पूरे डिस्ट्रिक्ट में से एटी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं लाइक like, एक गांव में सा एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल था वन टीचर वॉज देयर ही यूज टू लाइक नाव आई एम गोइंग टू वन स्टोरी मोड लाइक अब वो थोड़ी स्टोरी है तो उसमें क्या होता है मेरे गाँव से एक गाँव दूर है लाइक फिफ्टी किलोमीटर है तो मतलब उस 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 जो उस जो एग्ज़ाम की जो प्रिप्रेशन है वो मतलब ऐसे नॉर्मल तो तुम खुद से नहीं कर सकते तो वो एक टीचर थे ही यूज़ टू टीच लाइक दिस थिंग्स क्योंकि उस एग्ज़ाम का अलग पैटर्न होता है थोड़ा तो मतलब अब गाँव में वो है नहीं और उनका को उनका कोचिंग होता है मतलब एक घंटा वगैरह तो फीस के भी पैसे नहीं है तो मम्मी ने रीच आउट किया उनको कि बेटे वढ़ा पढ़ाना ऐसा करके लाइक नथिंग सिर्फ गए और बेटे को पढ़ाना ऐसा करके तो वो मतलब इतने अच्छे या गुड ग्रेड बोल सकते उनको कि उन्होंने बोला कि आप सिर्फ़ पे लाइक टू हंड्रेड पर मंथ इट लाइक नथिंग टू हंड्रेड पर मंथ मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँ ऐसा करके सो so, क्या होता है अब सुबह उनका आठ बजे वो हो जाता है चालू हो जाता है उनका जो लेक्चर वगैरह है आठ से नौ अब हमें सुबह उठना है मम्मी को खाना बनाना है बाकी सब काम करना है और आठ बजे पहुँच है उधर तो बाकी मौसम तो हमेशा सेम सेम नहीं होता बारिश आ रही है कभी ठंडी है तो लाइक पाँच बजे उठाती थी, थी मम्मी फिर सुबह पाँच बजे कोई सा भी सीज़न है वो नहीं देखना है लाइक और गांव में तो होता कि भैंस वगैरह होती उनका सब काम करना है गाय भैंस वगैरह तो मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है मम्मी उठाती है सिक्स ओ क्लॉक और फिर खुद का सब काम खत्म करके मैं उठाती है फिर लाइक पापा कभी ले जाते कभी मम्मी ले जाती है तो अब बस पकड़नी है समटाइम्स बस कब चली जाती है तो कुछ और देखना है गाँव मतलब एकदम अब सोच सकते हैं जंगल स्टार्ट हो जा रहा है वहाँ मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं होता है फिर वहाँ से वहाँ पहुँचना है फिर एक घंटे मतलब अब मम्मी कहाँ जाएगी एक घंटे सोच सकते हैं अब कोचिंग में तो हम गए अब एक घंटा मम्मी को वेट करना है सो आई स्टिल रिमेंबर सी यूज़ टू वेट ऑन बस स्टैंड लाइक पीपल यूज़ टू आस्क माई मदर वाई यू आर हेयर डेली सो सी मतलब इस टाइप की सिचुएशन तक आ गई थी पापा का भी छोड़ देते कभी मम्मी तो पापा का तो ठीक है मतलब कहीं वे जाके वो तो चलता है लेकिन ये जो चीज़ है ना वहाँ से बहुत एक बूस्ट मिला कि भाई इस एज में मतलब दिख गया कि यार अब तो कुछ तो करना बनता है ऐसा ये करके स्टिल आई बोला अभी भी मतलब मम्मी रात को कॉल करती है कि बेटा अगर दो बजे उठा देना तीन बजे मतलब वो सिलाई का काम करते टेलर वर्क तो मतलब मुझे भी सिखा दिया वो भी करते हैं मतलब रात जा मतलब अभी भी अब थोड़ा मैंने बोल दिया अब ठीक है आप थोड़ा कम कर दो दें लेकिन उनका मतलब वही अभी भी डेडिकेशन वही है मेरा थोड़ा लो हो जाता है लेकिन उनका लो नहीं होता है कभी तो वो एक मदर का रोल उन्होंने मतलब बेस्ट प्ले किया है मतलब <coughs> आपके बारे में बताइए यस सो मेरे नाम से आप लोगों ने ऐसा जान लिया होगा थोड़ा बहुत राजपुरोहित आई एम फ्रॉम राजस्थान बेसिकली आई वुड से प्रिसाइजली कंजर्वेटिव राजस्थानी फैमिलीज बिकॉज एवरी वन नोज तो हाँ मेरे पिताजी जो हैं वो तीस साल पहले राजस्थान से माइग्रेट होकर uh, मदुरई आए जो तमिलनाडु में है एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन सो ही वॉज़ वेरी यंग ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑफ गिफ्ट एंड टॉयज एंड ही वॉज द फर्स्ट इन आर ऑल रिलेटिव टू स्टार्ट सच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज डिफरेंट सो ही टुक द स्टेप बट बिकॉज ऑफ दैट ही कुड नॉट कम्प्लीट हिज

के मेरी मम्मी भी शी वॉज़ वेरी ब्रिलियंट इन हर स्टडीज़ शी टॉपड हर स्कूल थ्राइस तो बट देन नाना जी का यही था सोच के बच्ची बड़ी हो गई है अठारह साल का हो गया मतलब बिकॉज़ दैट वॉज ए लीगल एज अगर वो नहीं होती तो पहले ही शादी हो जाती क्योंकि दादी नानी इन सब की शादी बहुत पहले हो चुकी है तो so, अठारह होते ही ट्वेल्थ बेयरली उन्होंने कंप्लीट की थी रिज़ल्ट भी नहीं आए थे उनकी सगाई हो गई और शादी भी हो गई तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वॉज देर जहाँ पे आज भी uh, क्योंकि अभी मार्केट एरिया में एज एन मैरिज मार्केट में बेहनुमा मिस ग्रेजुएशन तो अभी लड़कियों को ट्वेल्थ से ग्रेजुएशन करा दे ताकि उनकी शादी हो जाए तो मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी ऐसे ही हैं जिनको ट्वेल्थ ख़त्म एज एन ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते सगाई शादी सब हो चुकी है सो या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन मदुरई Uh, I have two siblings, uh, didi or Bhaya. Uh Didi is doing research work right now. Uh, she has been one of my greatest inspirations because uh, she was the one who uh, took the step to go out of Madurai and pursue something different. She has done her uh, honors in political science and she has been a gold medalist in that. Wow. Yeah. सो शी इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिशंस आईव हैड पापा मम्मी दादाजी मेरी फैमिली के सोच सकते दादाजी एज एन ही मस्ट हैव हैड अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट ऐसा हमको पता चल जाता है एज एन वॉट एवर आई सेट नाउ बट माई ग्रैंड फादर आई डोंट नो हैव ही इज़ वेरी डिफरेंट he still gives priority to studies education my dad my mom my grandfather all all of them they give first priorities to education and then marriage and everything वो सब बाद की देखी जाएगी तो uh, मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने भी मेरी दीदी को या मुझे या मेरे भाई को कभी नहीं रोका कुछ भी परस्यू करने से एज एन राजस्थानी फैमिलीज में इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स इट्स ऑल्सो अबाउट बॉयज कि उनका भी ग्रेजुएशन होते ही उससे पहले ही वो शॉप पर लग जाते हैं टू डून पापा को बैकअप करना है उसके लिए तो वो शॉप पे साथ में लगी जाते हैं सो यू सेट देर सिस्टर इज योर वेरी बिग इंस्पिशन एंड देट योर ग्रैंड फादरज स्टडीज दो एनवायरमेंट अराउंड यू हैज नॉट लाइक विद एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न दे डोंट रियरली गो सो फॉरविद स्टडीज बिकॉज दे स्टडी टू गेट मैरिड Yeah, okay, not a minimum at all. of yeah. graduation is required for you yes. to qualify for marriage, imagine. Yeah. So, so there's this with the, thing with the environment like this, how did how were you able to change uh, that mentality and how your family supported you in that? So I'll tell you a base story. Ke girls are not even allowed to dream so about their studies or education. So if they're not even about to uh, as in they're not even able to dream, those usko pura karni bato chodi do. बहुत बहुत दूर बहुत की बात है वो लेकिन आ, मेरे दादाजी की एन आई कैन टेल यू मेरे दादाजी की जो फैमिली एज एन उनके ब्रदर की फैमिली आई हैव सीन देम दे आर माई रिलेटिव हैव सीन देम क्लोजली दे आर ऑल्सो इन मधुरे आई हैव सीन देयर फैमिली माहौल एन उनके फैमिली का माहौल कि बस पढ़ाई करो शादी कर लो उनके दिमाग में बचपन से यही डाला है कि आपको बड़े होकर शादी करनी है बस मतलब बारह तेरह साल के हैं और उनको ये सब बातें बोली जाती है पहले से ब्रेन फीड किया जाता है कि आपको शादी करनी है आगे जाके तो आप दूसरा तो कुछ सोचो भी मत रहने दो आप घर का काम करना सीख लो रोटी बनाना गोल बनाना सीख लो बाकी सब्जी अच्छी बनाना बाकी सब सीख लो मोस्ट ऑफ माई कजन आई एम दंगेस्ट इन माई होल फैमिली तो आई हैव जस्ट स्टार्टिड माई स्टडीज तो इतना मौका मिला नहीं है अभी उनको शादी हो भी गई है काफ़ी okay. सारे लोगों की तो okay. उतना वो आया नहीं है बट देन या माई फर्स्ट कजिस आई हैव स्पोकन टू देम एज एन दे ऑल्सो सम वेयर दे वॉन्टेड टू परस्यू मोर बट देन दे कु नॉट बिकॉज ऑफ द फैमिली एज एन आई कैन से यू आई एम सो ब्लेस्ड आई फील सो ब्लेस्ड हैविंग सच parents, सच ग्रैंड पेरेंट दैट दे आर स्टिल सपोर्टिव आज भी मैं अगर uh, मेरे एग्जाम है मैं दादाजी को कॉल करती हूँ या मेरा कुछ भी मेरे कॉलेज में चलता है तो दादाजी पहले ये पूछते हैं कि पढ़ाई अच्छी चल रही है ना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो मार्क्स पढ़ाई एज एन प्रायोरिटाइज पढ़ाई उसके बाद बाकी सब तो होता रहेगा वो सब देखी जाएगी बाद की बात है और चूजिंग लॉ एज एन आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई होल फैमिली हैज चूजन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एक तो ग्रेजुएशन बैर मिनिमम और मेरा जो कोर्स है वो फाइव ईयर कोर्स है इंटीग्रेटेड बी एल एल बी ऑनर्स सो इट्स अ फाइव ईयर कोर्स मेरे रिलेटिव सुनते ही ऐसे एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन दे देते अरे पापरे पाँच साल इतने साल पढ़ के क्या करेगी तू तो आई म्यूज टू Oh listening God. every, okay. all these things. So, but never in my uh, whole life as in I've uh, heard this from any one of my closed families as in grandparents or anyone. So, uh as I told you that I, I got this scholarship from the Reliance Foundation, uh, the undergraduate scholarship. This thing, uh, I guess, has motivated me.

ताकि बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करें और उनका भी दिमाग पहले से ये हो कि आपको बिज़नेस ही करना है और कुछ नहीं करना है तो ये एक मेंटालिटी भी है तो लेकिन ना मेरे पापा ने कभी मना किया ना मेरे दादाजी ने कभी मना किया कि भाई अच्छा इनको पढ़ने का मन है अगर आप करो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे बुक लाई आप दो आपकी आपको पूरी छूट है ये मुझे मेरे घर में मिली है और मैंने क्लोजली देखा है दूसरों के घर में जो नहीं मिली है तो याबाउटिपेंता कॉलेज में एडमिशन ले लिया था आई वॉज इन माई कॉलेज मेरी बहन ने मुझे कॉल किया एंड शी वॉज लाइक आई फाउंड स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर्स एंड आई हैव अप्लाइड फॉर यू आई एम सेंडिंग यू इट थ्रू द मेल तुम पूरा उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरा कर दो तो आई वॉज लाइक ओके और फिर मैंने जब देखा उसमें उसका बेसिक था कि आपको एक टेस्ट देनी तो देर वॉज दिस एप्टीट्यूड टेस्ट वी हैड टू गिव फॉर गेटिंग इन टू दिस स्कॉलरशिप फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन दिसकॉलरशिप मेरिट लिस्ट तो इट वॉज़ नॉट समथिंग कि एकदम से आप बस फॉर्म फिल कर दो ऐसा कोई छुट्टी निकाल के वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे आप मगर मेरिटोरियस हो आप वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करते हो तो ये आपको मिलेगी तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी और क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन ये कर रहा है मतलब दिस इज अ बिग थिंग बहुत सारे लोगों को पता होगा ये yes. और बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल अप्लाई फॉर इट और मेरा उनमें से नंबर आना इज लाइक आई डेंट थिंक आएगा भी बट आई हैड अ होप कहीं तो माई सिस्टर एनकरेज मई कि नो नो यू शुड गिव इट यू शुड ट्राई फॉर इट स्टडी थोड़ा बेसिक एंड एवरी तो इट वॉज़ द डे ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आई वॉज बिड नो विज आई वॉज आई हैड अ इवेंट इन माई कॉलेज आफ्टर दैट आई हैड टू डू दिस सो आई इवेंट में भी पूरा टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज टेस्ट है आज टेस्ट है मुझे क्या करना है द मोमेंट आई वेंट एज एन आई इन टू द टेस्ट आई स्टार्टड आई विज लाइक ओके इतना बुरा भी नहीं है इट्स गुड आसान है आसान है तो टेस्ट तो हो गया उसके बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आसान मुझे लगा है और भी बच्चों को आसान लगा होगा अभी कैसे लेंगे एज एन मुझसे भी और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे एम्स के बैठे हैं ये तो uh, मुझे ये भी लगने लगा कि अरे चांस तो मुश्किल ही है फिर भी मैंने फैमिली को वगैरह बताया कि चलो एक्टिट्यूड टेस्ट हो गया मम्मा वॉज लाइक कि नहीं नहीं हो जाएगा तेरा तो 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 होशियार है तो मेरे पेरेंट्स का ये है कि वो कभी भी आई गेस सारे पेरेंट्स का होता है लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी उनको ये सुनना भी नहीं पसंद है कि आ, अगर मैं खुद भी अगर थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती और मैं बोलती हूँ यार मुझे तो नहीं आता मुझसे नहीं हो पाएगा तो मेरे मम्मी पापा दोनों बोलते हैं ऐसा कैसे बोल सकते हो होगा तुमसे तुमसे कैसे नहीं हो पाएगा तो किससे होगा तो ये मेरे पेरेंट्स की हमेशा रही है कि उन्होंने हर बार एट माई लोएस्ट पॉइंट्स मोटिवेट किया है आई गेव माई क्लैट का एग्ज़ाम फॉर दिस थिंग एन एल यू में एडमिशन्स के लिए तो आई गिव क्लैट की एग्जाम इट वॉज दिस टाइम वॉट हैपन्ड वॉज इन डिसम्बर विच वॉज इन बिटवीन माई प्री बोर्ड्स हमेशा ये लोग थोड़ा बाद में रखते हैं एजन आई गेस अप्रैल मे में रखते हैं तो so, वो क्या होता है कि आप प्री uh, आपकी बोर्ड्स हो जाती है एंड देन यू हैव अ गैप ऑफ वन मंथ टू जस्ट फोकस ऑन क्लैट दिस टाइम दे जस्ट प्री पोन्ड एडवांस द डेट्स सो मुझे प्री बोर्ड्स का भी था क्योंकि उस टाइम पर कोविड भी चल रहा था तो एज़ डन इन माई प्रीवियस टेंथ क्लास प्री बोर्ड के नंबर ले कर उन्होंने पास कर दिया तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ट्वेल्थ के प्री बोर्ड्स के नंबर अगर ये लोग ले भी ले तो खराब आए तो आई फोकस मोर ऑन माई प्री बोर्ड्स इंस्टेड ऑफ द क्लैट थिंक तो आई कुड नॉट क्लिक क्लैट उस पॉइंट पर भी माई पेरेंट्स फॉर वेरी सपोर्टिव उन्हें कहा एक ही एग्जाम है ना एज एन इतनी सी एग्ज़ाम है इसमें नहीं हुआ है और भी कॉलेजेज हैं हमेशा मेरे पेरेंट्स एज एन सपोर्टिव रहे तो बैक टू दू जी स्कॉलरशिप थिंक सो वी वर वेटिंग आई यूज़ टू चेक माई मेल एवरी डे एवरी डे आई यूज टू डू दिस आई यूज टू कॉल पीपल एज एंड फ्रॉम द रिलायंस कि मुझे स्कॉलरशिप का एज एन रिजल्ट कब आएंगे तो वन डे आई गॉट द मेल इट्स लाइक Oh my god, I could not believe my eyes. I was so uh, overwhelmed. I was I had mixed emotions. I I felt like crying. I was so happy. I wanted to call my parents and then tell them that I got the scholarship. I took a screenshot, sent it in my family group. Wow. Yeah. Okay. And then uh, it was like uh, they also got shocked. They were like so happy. My mom called and she was like, "Oh my god, congratulations, Bitu. तुमने तो कर लिया मैं तो बोला ही था तुम कर लोगी तो इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ आई वीडियो कॉल देम इंस्टेंटली एंड देन वी वर ऑल्सो हैप्पी एक्साइटेड माई ब्रदर माई सिस्टर दे वर लाइक ओ माई गॉड यू हैव हैव डन यू है आई गेव और द्रेडिट्स ऑफकोर्स शी डिजर्वस सो दे ऑल सो एक्साइटेड एंड देन आई वज लाइक चलो अभी स्कॉलरशिप तो मिल गया है एंड एट दैट मोमेंट मुझे स्कॉलरशिप मिला ना इट वॉज नॉट समथिंग अबाउट मोर अबाउट मॉनिटरी थिंग इट वॉज समथिंग दैट गेव मी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट येस आई कैन डू समथिंग आई फील लाइक दिस इज माई सेल्फ अर्न थिंग दैट आई पुट पुडन माई एफर्ट्स आई देन स्टार्टड वैल्यूइंग माई एफर्ट्स कि यार मैंने इसको एग्जाम को दिया है उसके कारण मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है तो वो मुझे जो कॉन्फिडेंस है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है इसके कारण इस रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के कारण कि यू हैव डन यू कैन डू थिंग्स सो थिंगल फैमिली ग्रुप्स वेल या दे

मेरे को लग रहा था कि मतलब मतलब कब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ऐसा करके तो सबसे पहले एज इट इज़ मामा को कॉल किया कि मामा थोड़ा धक्का मारो <laughs> तो फिर मामा से मतलब ऐसे क्या था कि मैं मे, मेरा भाई भी बोला पहले साथ में उसका भी मतलब था एडमिशन है उस इज़ ऑल्सो परसूंग एम बी बी एस इन फर्स्ट ईयर सो उसका भी था तो अब दो लोगों का खर्चा है मतलब अभी तक तो कुछ पता नहीं चला था ना क्योंकि नवोदय में थे उधर कुछ खर्चा है नहीं अब दिखा नहीं था अब कॉलेज में आ रहा है अब रियल दिख रहे हैं भाई दिस मच अमाउंट इज नीडेड तो सबसे पहले भाई मैंने एस्टिमेट थोड़ा मम्मी मैंने और मम्मी ने पापा ने बैठ के बनाए इतना चाहिए यार पता है मतलब मैं बताऊँ ना सब कुछ मिला के घर का सब ये वो वो लोन भी थी पापा पे मम्मी पे वो भी चल रहा है तो सब कुछ मिला के वी वी डिंट है मोर देन थर्टी फोर्टी थाउजेंड एंड देट्स नॉट इनफ तो सबसे पहले ये एस्टिमेट बनाया फिर एक मामा वन टू थ्री फोर फाइव मौसी तो सबको बोला कि थोड़ा रेडी रहना अभी ज़रूरत पड़ेगा ऐसा करके तो ये सब हुआ तो ये सब चला अब मैं ये मतलब जब तक ये स्कॉलरशिप आई ना मतलब रिलायंस फाउंडेशन की अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप है तो वो मतलब ऐसे ही मैं हर जगह ऐसे मतलब हाथ पाऊँ मारा कहीं से इधर से हो जाए इधर से हो जाए तो ऐसे ही मतलब क्या था कि ये कोई दोस्त भर रहा था स्कॉलरशिप उसने बोला अकेले काम कर तू इतना उधर उधर मत जा तेरी किस्मत में होगा गया तो एक स्कॉलरशिप हाथ लग जाएगी ऐसा करके सो ऐसे ही रिलायंस जो रिलायंस अपनी, अपनी अंडर ग्रेजुएट जो स्कॉलरशिप है वो भर दी मैंने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म और भूल गए चलो देखते हैं मतलब अभी तक मुझे उस टाइम तक कोई स्कॉलरशिप खास मिली नहीं थी तो एक दिन मतलब ऐसे ही कुछ आया कि भाई इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है सब बेसिक आइडिया था तो बोला एप्टीट्यूड टेस्ट तो अपना मतलब बाएंथ का खेले हुए तो बचपन से देते यार है तो एप्टीट्यूड <laughs> एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टी दिया वो भी दोस्त ने बोला लैपटॉप वैपटॉप जुगाड़ा दो, दोस्त से वो बोल रहा मेरे को भी देना है बोल रहा मेरे को भी देना है तो सीनियर्स वगैरह से लैपटॉप वगैरह जुगाड़ किया मतलब एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दिया तो फिर वापस भूल गया फिर एक दिन मतलब ऐसे कोई बोल रहा है कि मतलब रिजल्ट आया है मतलब जो दूसरा दोस्त था जिसने मेरे को बताया था उसने बोला रिजल्ट आया तो उसने चेक किया तो पूरा मतलब जो प्रोसेस हो गया था सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा फिर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब हो गया तो मतलब इट वॉज अ स्मूथ प्रोसेस सो उसके बाद जो रिजल्ट आया तो कॉन्फिडेंटली उसका नहीं हुआ मेरा हो गया तो मतलब उसने बताया मेरे को पहले था मतलब उसका जो रिजल्ट है उसके पहले बताया तो मतलब चलो मतलब आया है ये किसने बताया मतलब उसने दोस्त ने मतलब उसको वहीं से तो पता चला शायद मेल आया था वैसा मतलब मेल वेल चेक नहीं किया था मैंने मतलब उसमें सब आता है वैसे प्रो, प्रो मतलब प्रॉपर वो सब चैनल से आता है तो उसने बताया कि ऐसा कुछ मतलब सिलेक्शन हो गया तो मेल वेल आया होगा देख तेरा तो मतलब ऐसे पूरा ग्रुप था उसके भी दोस्तों ने भर रखा था मतलब पूरा मतलब वैसे पता चल जाता है आगे पीछे से तो उसने बोला तो मतलब ऐसे में देखा कि भाई चलो मम्मी को कॉल किया मम्मी एक मौसी को बोलो आपका ज हो गया मतलब उनको मतलब एक टाइम दिया है ना यार कि मतलब आपको इतने टाइम में ऐसे लौटा देंगे मतलब हाँ। उनको भी तो चाहिए होगा ऐसा करके तो मतलब ऐसा करके जो हो गया फिर भी मतलब इतना अमाउंट मतलब ये बहुत मतलब मतलब ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था हमारे लिए मतलब इतना जितना भी अमाउंट है उससे मतलब मेरी फीस मतलब खाने वगैरह क्यों क्योंकि उसमें क्या था फर्स्ट टर्म में यू हैव टू पे इन एडवांस देन यू गेट द एडमिशन तो मतलब उसके लिए सब किया था तो जब ये मतलब जो अमाउंट आया तो मतलब थोड़ा सांस में सांस आई चलो अब इट इज़ नॉट मतलब देट मच आर तो मतलब ये जो बुक्स वगैरह का था मतलब जो मेडिकल बुक्स होते हैं दे आर फार मोर एक्सपेंसिव लाइक नो बुक इज़ लाइक बिलो टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सब वो भी हुआ तो मतलब जो ये फिर इसको एलोगेट किया है भाई इसका ये करेंगे इतना मौसी मामा को देना है इतना बुक्स लेना ये है वो है तो, मतलब जो मम्मी को कॉल किया तो मतलब वहीं सब प्रोसेस चल रहा है भाई किसको क्या करना है मतलब और बाकी तो ठीक है तो मतलब बहुत खुशी हुई अंदर से मतलब मम्मी पापा को कि भाई अब इतना बर्डन कम हो गया हमारे से मतलब उससे तो ये एक मतलब पॉजिटिव साइन था मतलब बहुत मतलब मैं थैंकफुल हूँ मतलब रिलायंस फाउंडेशन को कि जो मतलब इतना हेल्प किया और मतलब ये प्रॉपर चैनल मतलब मेन चीज है कई बार क्या होता है पहुंच नहीं पाती है तो ये जो चैनल से मतलब कैसे भी मतलब क्योंकि एक तो वो चीज मतलब पहुंची मेरे से उस उसपे भी उनका बहुत बड़ा रोल है मतलब लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह फिर मेरे को पता चला कि लाइक इंस्टाग्राम्स पे भी उनका इंस्टाग्राम वगैरह जो ऐप है उस पर भी एड देख के भी कई लोगों को पता चला था तो मतलब ये एक चैनल के थ्रू मेरे तक पहुंचा और मतलब आई आई गुट बेनिफिटेड सो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी आई टू आस्क यू थिंग्स सो अ फ्रेंड ऑफ Informed you about एक दो दिन में अच्छे वाले दोस्त फिर मतलब उसने बोला थोड़ा उसको बुरा लगा होगा मतलब मेरे को पता टाइम तो उसने बोला चल कोई बात नहीं तेरी है मेरी है सेम है तो मतलब वो हुआ तो उसने बताया कि चल मतलब उसको पता था कि मतलब उसका क्या चैलेंजेस वगैरह है उसको आइडिया था कि जो है मतलब बाकी क्या होता है कि स्कॉलरशिप आते चल आज पार्टी दे दे ऐसा करके मतलब वो दोस्त मतलब मैं बोलूँगा कि मतलब अच्छा दोस्त है उसने मेरे को पहले तो बताया कि ऐसा करके आया है क्योंकि अगर एक बार डेट चली गई तो देन प्रोसेस कुछ होता नहीं है तो उसने बताया लेकिन उसने इतना वो नेगेटिव नहीं लिया कि उसने अच्छा लगा कि भाई तू हम दोनों मिल जुगाड़ करते थे किसी को बोल रहे यार आज इतना वो कर दे तो मतलब उसने जो मतलब हेल्पफुल था बहुत हेल्पफुल था जो मतलब जो फ्रेंड था वर्क सो हार्ड

उनको विश्वास नहीं हो चलो मतलब भरने को आई होगी उनको मतलब लग ही नहीं रहा था कभी कुछ स्कॉलरशिप जैसी चीज़ आएगी तो मतलब उनका जो मतलब रिएक्शन था ना मतलब बोल सकता हूँ मैं जज नहीं कर पाया <laughs> जज नहीं कर पाया क्योंकि एक तो उनको मतलब पहले बिलीव नहीं हो रहा है ऐसे मतलब कि आई है फिर एक तरफ़ से वो आ रहा है कि इमोशन की चलो बहुत खुशी हो रही है कि भाई चलो अब टेंशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने में ये है दोनों का हो जाएगा तो मतलब एक मिक्स सा इमोशन था और फिर पापा को मम्मी को बताया तो मतलब फ़ोन पे बात हुई तो ये सब मम्मी ने बोला that's it so reliance foundation undergraduate scholarship really helped you to achieve your dreams to transform your life it gave you such amazing experience it gave you so much of confidence so post you received this and you celebrated and it helped you did you inform your friends and you know have you uh, helped others also to find about this and help them crack the ap aptitude test that you have to go through so uh, basically the scholarship milly एंड देन आफ्टर सम टाइम माई फ्रेंड्स गॉट टू नो अपाउट दिस आइड जस्ट टोल्ड दैम कैजुअली तो उन लोगों ने उनका पहला रिएक्शन था अरे हमको भी बता देते हम भी दे देते यार ये अकेले अकेले करने की क्या जरूरत थी तो मैंने कहा कि आई डिड नॉट नो दैट आई वुड गेट सेलेक्टेड इन टू दिस एंड एवरी थिंग बट देन आई टोल्ड दम अबाउट द होल थिंग सो अभी भी मैंने अभी जो जूनियर्स से मेरी बातें हुई हैं तो मैंने उनको बताया कि दिस देर इज दिस रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप यू शुड अपलाई इन टू दैट

जब मेरे को मतलब जो मिल मिल गई स्कॉलरशिप तो कुछ लोग छूट गए थे कि भाई जिनको पता नहीं था ये तो मतलब क्या होता है एक टाइम होता है मतलब जब आप कॉलेज में जाते हो तो कोई बोल रहा है वो स्कॉलरशिप आ रही है तो मतलब ऐसे भरते हैं है लो, लोग मतलब फिर थक जाते हैं भाई कुछ आ नहीं रहा है तो मतलब जब ये मैंने आई ना स्कॉलरशिप तो मतलब कुछ लोग जो छूट गए थे उनको बोला कि आप सेकेंड ईयर में अप्लाई करो फिर मतलब जो दूसरे कॉलेज में अदर कॉलेज में जो जो थे जिनको पता नहीं था उनको इन्फॉर्म किया मतलब एक ग्रुप ग्रुप है उसमें बता दिया कि मतलब मतलब ये जो जिसको भी रह रह गया गया था या फिर पता नहीं था mm -hmm. तो नेक्स्ट sure कर रहे हो क्योंकि इतने मतलब जो प्रोसेस है उसमें कर लीजिएगा ऐसा करके रियक्शन माई ग्रैंड सो मेरे दादाजी का रिएक्शन वॉट द मोस्ट प्रेशियस रिएक्शन आई गॉट इन द होल फैमिली मम्मी पापा हैप्पी थे वो अलग बात है तो दादाजी को आई डोंट थिंक ही हैज़ दिस आइडिया अबाउट स्कॉलरशिप्स एंड एवरी थिंग हाउ दिस थिंग वर्क्स तो मैंने एक दिन बैठ के उनको बताया कि दादाजी मैंने एक एग्जाम दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और आई गॉट अ स्कॉलरशिप तो पहले तो ही कुड नॉट बिलीव इस एकदम क्योंकि द स्कॉलरशिप होल आइडिया इज डिफरेंट बट द रिएक्शन ही गिव एज एन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जब आपके जो बड़े हैं वो अगर दे आर प्राउड ऑफ यू एंड यू इफ यू मेक देम प्राउड वो अपने मूछों को तानते हैं okay. तो वो जब उन्होंने किया आई फेल्ट वेरी गुड आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड आई लिटरली मेरी आंखों में uh, खुशी के आंसू आ गए थे कि अभी कुछ किया है मतलब दिस दिस was वेरी गुड Fantastic, so amazing. With the aim to nurture aspirations and celebrate excellence, this year 5100 scholarships are open, which will be awarded on merit cum means basis. For undergraduates, 5000 scholarships up to rupees 2 lakhs each and for postgraduates, 100 scholarships up to rupees 6 lakhs each are waiting. Applications are invited for undergraduate and postgraduate students enrolled in the first year of their respective program in any location across India. Students can apply online through www.scholarships.reliancefoundation.org. Last date to apply is October <coughs> 2024. Tell me if to apply karna. step-by-step process Like, you know, how if somebody wants to apply for this, how they should prepare, uh, what they should do, and you know, uh, how how the whole process is going to be like. Tell me about that. Process is very basic, very easy. It's not something very complicated you have to do. Uh, you need your basic tenth and twelfth mark sheets, your uh, uh, ID proofs, and you have to be aware that there is going to be an aptitude test, and you'll get a date, and you have to prepare a bit about it. You'll have English, uh, reasonings, logical reasonings, and quantitative. So they are very basic, which comes in most of the aptitude tests, uh, and uh, yeah, so that is the thing, and not much you have to worry about. It is so the. Portal is also very uh, self-explanatory. You don't have to. You don't have something complicated, and they also have the helpline number. You can anytime contact them. also, also on Sundays they pick up the calls. I have okay. called them. Okay. Uh, yeah, and uh, they pick up the call. They whatever your queries are, you ask them. They'll reply you as soon as possible. And yeah, I have got a very smooth conversation with them. As in, it was a very smooth process for me. Uh, it was not something very complicated. I felt. अबाउट योर जर्नी यू हैव ऑल्सो यू आर यू हैव ऑल्सो बीन इनटू टीचिंग टू अर्न मनी इनफैक्ट यू हैव वर्कड बिफोर इन यू नो इन स्मॉल स्मॉल वेज टू अर्न टेल अस अबाउट दैट जर्नी ऑफ yours. सो ट्वेल्थ तक का तो मतलब जो जे में था तो उधर कुछ एक्सपेंसिस इतना वो नहीं था मतलब बीच में जो लॉकडाउन वाला पीरियड था तो जो पापा का जो काम था मतलब वो तो मैं बोल सकता हूँ तो अब बंद ही हो गया मतलब जो हीरा गेस्ट थे उसमें स्पेसिफिक कुछ टाइप्स होते वो बंद हो गए थे और उस टाइम पे मतलब जो टेलर वर्क था मम्मी का वो भी इतना चल नहीं रहा था तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं अब कुछ मेरे को धक्का देना ऐसा करके तो फिर क्या हुआ कि टीचिंग वाली अगर मैं पहले बात करूँ तो क्या था कि भाई जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो एक क्या बोलते हैं एक सेंस ऑफ हेल्पिंगनेस मतलब होता है कि कोई और है तो उसको साथ लेके चलते ऐसा करके वो एक फीलिंग हमेशा मतलब जो मेरे पेरेंट्स उन्होंने डेवलप करने में या फिर जो एनवायरमेंट है उसने मतलब हेल्प किए वो एक फीलिंग डेवलप करने में कि कोई और है उसको साथ लेके चलते तो लाइक एकदम स्टार्टिंग से आई यूज टू टीच माई फ्रेंड्स एंड उनको मैं समझाता था तो उनको मेरा जो वे था पढ़ाने का इट वॉज़ सो सिंपल कि मतलब उनको तुरंत मतलब अंदर चला जाता था दिमाग में ऐसा करके कि वो ग्रेस्प कर लेते भाई सिंप्लीफाई करके कि दीज आर द थिंग्स यू टेक दिस एंड जस्ट पास सो तो लाइक लास्ट नाइट मतलब जैसे टेंथ का एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले मतलब मेरा दोस्त था वो कुछ बता तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने उसको मतलब तीन क्वेश्चन बोले बोला तू से तू तु जो भी करना है ये तीन क्वेश्चन करके चला जा तू फिर देख लेंगे आगे तो उसमें से सेम दो क्वेश्चन आए और वो पास हो गया तो मतलब अभी भी मेरे को मतलब वो याद करता है कि यार तूने मतलब वो कर दिया फिर और जॉब्स की बात करूँ तो यही सिचुएशन चल चल रही थी जो अपनी कोविड टाइम वाली और मतलब तो थोड़ा फंड्स वगैरह की ज़रूरत थी तो फिर मैंने क्या किया कि एक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है तो जैसे कि मेरे गांव से सेवन किलोमीटर दूर है एक छोटा सा सिटी सिटी या और उसमें से बीच में बोल सकते हो तो वहाँ मैं गया अब मैं अब सोच सकते हो सिक्सटीन सेवनटीन ईयर ओल्ड बॉय है नथिंग उसको कुछ नहीं पता है और उसको कमाना है पैसा और एज ए टिपिकल गुजराती ये थोड़ा इनहेरिटेंट होता है हमारे अंदर <laughs> कला बोलो आर्ट स्किल जो भी बोलो तो मतलब मैंने एक बार देखा भाई मेन बाज़ार में गया कि दिमाग लगाते है कुछ पहली शॉप पे गया बोला कुछ काम मिलेगा भैया बोला तो नहीं दस पंद्रह रिजेक्शन मिले फिर एक शॉप आई मैंने कुछ ऐसे क्लासीफाई नहीं करा था जो भी शॉप मिल जाए जो भी काम मिल जाए तो एक यूटेंसिल्स की शॉप थी तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा काम मिल जाता तो बोल रहे क्या करेगा मैं बोला भैया पढ़ा लिखा हूँ नौ दि से पढ़ा हूँ तो उनको तो पता ही नहीं था वैसे बोल रख लिया चल गिनती कर लेता है बोला भैया गिनती कर लेता हूँ फिर एक दो दिन काम किया तो वहीं सेम प्रोसेस अब दो पैर को मतलब क्या थोड़ा खाने का टाइम मिलता था तो आई यूज टू रोम अराउंड तो मैंने मतलब देखता था कुछ और बेटर मिल सकता है क्या तो फिर शिफ्ट किया मैंने कंप्यूटर शॉप पर शिफ्ट किया मैंने कि भाई थोड़ा अच्छा है आराम वाला काम है और चलो अपने मतलब कंप्यूटर वगैरह तो स्किल वो सब तो होती है अपने पास तो उधर स्विच किया फिर आता इंटरेस्टिंग वाला पार्ट उधर दो तीन दिन मेरे को काम करते हुआ है एक दिन क्या हुआ कि चलो दोपहर को मैं खाने निकला चलो कुछ समोसा वगैरह सस्ता सा खा के वापस चलते एक स्कूल दिखा मेरे को सामने तो पता नहीं वो थॉट मेरे अंदर आया कैसे मैं सोचा चलो स्कूल में ट्राई कर लेते मतलब ऐसा कुछ सेम मेरे में वो है नहीं कि चलो इधर नहीं जा एकदम ओपन जो भी मिल जाए तो मैं स्कूल के अंदर गया प्रिंसिपल के ऑफिस में गया मैं इंटर किया तो जाती मैं बोला सर बोल क्या एडमिशन चाहिए क्या सर क्या बात कर सर पढ़ाना है मेरे को तो उसने बोला मतलब कैसे मतलब वो एक चीज़ है ना वहाँ उनके पास बी वाले क्वालिफाइड है और मैं हूँ भाई एक टेंथ पास या फिर मतलब उस उतना एज वाला तो मैंने वो रिक्वेस्ट करा उनको यार मतलब फिर बोला कि मैं नौ से हूँ तो थोड़ा वजन बढ़ा ऐसे करके तो फिर उन्होंने मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई मतलब एक चांस दे दो ना फिर मतलब उन्होंने बोला चल तेरे को चांस दिया ऐसे करके फिर डेमो डेमो बोला एक डेमो ले लो बच्चों के साथ तो वो थे मतलब वाइस प्रिंसिपल वगैरह वा थे उन्होंने डेमो लिया तो मैं बताऊँ ना उसके बाद जो मतलब जो बच्चों को टीचर्स को इतना मतलब मस्त लगा ना जो है पढ़ाया बच्चे वगैरह कनेक्ट करे थे उन्होंने मतलब, रिलेट करे थे क्योंकि मैं तो उसी चीज़ से अभी रिसेंटली निकला हूँ अभी उस चीज़ से पढ़ाई मतलब उस माहौल से तो उन्होंने मतलब बोला कि चल तेरे को दिया चांस फिर डे बाय डे उनको एक दो दिन में लगा कि भाई ये तो अच्छा कर सकता है इसे तो मैं बताऊँ मतलब उस टाइम पर आधे दिन का मतलब सैलरी कुछ मतलब प्राइवेट स्कूल था इतना बड़ा भी नहीं तो कुछ खास नहीं होती लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे जो बी एड क्वालिफाइड वगैरह थे उनको जो सैलरी मिल रही थी उससे ज़्यादा मेरे को मिल रही थी ऐसा करके तो ये एक चीज़ मतलब मेरे को वहाँ से आई रियलाइज़ हुआ कि भाई आई एम गुड एट दिस कुछ कर सकते ऐसा करके तो उसके बाद मैं इस इसी चीज़ को मतलब कंटिन्यू किया थोड़ा पढ़ाया फिर फिर मम्मी ने बोला कि बेटा मतलब एक गुजराती में सेंटेंस है मतलब जो कहते हैं कि भाई बाढ़ के एक बार पैसा चाखी ही जाए ना पची नहीं ट्रांसलेट करता हूँ मतलब एक बार अगर जो बच्चा है ना गुजराती बच्चा उसको तो ने थोड़ा सा पैसा दे दिया ना खुद से कमा रहा है फिर वो आगे पढ़ेगा नहीं उसे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा तो वो एक चीज़ वहाँ से रोक लिया मेरे को फिर मेरे को लगा मैं तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ मेरा पैसा आ रहा है क्या है सब मतलब उसमें से एक रोक लिया मेरे को फिर डायरेक्ट किया बेटा थोड़ा पढ़ाई में जाए ऐसा करके तो ये एक चीज़ थी मतलब वो बीच में जो ये सब काम किए ना मतलब तो एक इनसाइड मिल गया कि क्या चीज़ें होती है मार्केट में ये वो और दैट्स द रीज़न आई मतलब मुझे एक इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है और सोचा है उसके मतलब साइड में कुछ पढ़ेंगे ऐसा करके तो वो एक चीज़ है और बाकी आप देख ही सकते हो मतलब गुजराती इसका मतलब बिजनेस वगैरह में तो वो भी थोड़ा सोचे आगे हॉस्पिटल वाला फील्ड है और जो बिजनेस वाला फील्ड है उसको थोड़ा कंबाइन करेंगे आगे क्योंकि ये तो मेरे को अच्छा लगता है ये जो अपना मेडिकल फील्ड है मतलब एक सर्विंग uh, नेचर वाला जो मतलब वो रहता है लेकिन उसको एक uh, थोड़ा गुजराती फ्लेवर देंगे ऐसा करके मैनेजमेंट वगैरह से दैट इज अ फ्यूचर प्लान सो दिस वॉज अबाउट द But this is a part of. You have so many stories, and it's so amazing. You know, as uh, I said in the beginning, that great things come from hard work and perseverance, and you both are so amazing. And I can see that hard work uh, and your thought process towards education has got you here, where you have grabbed a Reliance Foundation undergraduate scholarship, which is fantastic. And uh, and and I and I congratulate to both of you uh, for achieving this. Uh, you know joby students are interview your interview you know and they'll see your interview and they'll be very inspired by you what one you know out of all the the, the journey that you both had was so big and so amazing what uh, lesson or what uh, you know um, advice would you like to give to all the students who will see your interview i think i would say don't be afraid just take the first step be be confident

वेन एवर आई स्टार्ट समथिंग आई पिक समू टू 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 थ्री थम रूल्स लाइक फॉलो दिस यू विल गेट थ्रू सो फॉर एनी वन हुज़ लाइक फ्रॉम बैकग्राउंड लाइक मी सो यू डोंट थिंक लाइक इन अ लार्ज स्केल सो फॉर इफ यू आर अ इन अ विलेज एंड हमेशा मतलब एक चीज़ याद रखना मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम कहीं पर भी हो आप मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम मनी मतलब वो नहीं हो सकता कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो दो रूल बोलूँगा कि एक एक तो फर्स्ट एस एज सी डिस्क्राइब कि फर्स्ट स्टार्ट करो स्टार्ट करो और दूसरा मतलब एक चीज़ होता है कि कोई भी कुछ बोल रहा है ना उसको सुनो मतलब मेरी मम्मी कहती है गु, गुजराती में बोलूँगा कि हाँ भड़वा नू बधाई नू करवा आप हिंदी सुनना सबका है करना अपने का है लेकिन कई कई बार जो कोई कोई कुछ चीज़ बोल देता है ना वो इधर हिट करता है या फिर कुछ इधर हिट करता है तो वो जो इधर हिट करता है ना वो वाला ले लो इधर वाला छोड़ दो तो मतलब वो चीज़ है ना कि मतलब कोई सुनो सबका मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है ना उसको मतलब वो, वो मत करो सुन लो कि भाई कोई क्या बता रहा है अपने टीचर्स है क्योंकि जो अपनी जो एज है ना उसमें बच्चे मतलब वो इतना सीरियसली लेते नहीं है टीचर्स को क्योंकि एज मैं खुद टीचर था मेरे को एक्सपीरियंस हो गया हो तो, तो मतलब एक तो वो टीचर्स की <clears throat> तो एक तो मतलब वो टीचर्स की या फिर अपने बड़ों की जो भी कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको फॉलो करो मतलब क्या हुआ दौर एक तो भाई स्टार्ट करो और दूसरा एडवाइस सीइंग योर इंटरव्यू व्हाट एडवाइस लाइक टू गिव देम दैट डेफिनेटली लुक इनटू टू देयर करियर्स एंड दिस डेफिनेटली बी अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर देम टू गेट द स्कॉलरशिप एंड इफ दे गेट द स्कॉलरशिप दिस इज सो इंस्पायरिंग जस्ट द वे इंस्पायर्ड यू So, what advice would you like to give to all the women out there? Yeah. So, this advice, I don't think this is only for women. This is majorly for their parents as well. That I was, um, you know, uh, fortunate enough to have such parents. As in, I'll tell you some. As in, uh, when I speak about uh, conservative thinking, itna conservative hai ke uh, when we used to wear jeans and T-shirt at our home. आर रिलेटिव वेन दे सी अस दे यूज़ टू कमेंट कि ये कोई कपड़े होते हैं सलवार सूट पहनो ये कोई कपड़े होते हैं क्या ये तो लड़के वाले कपड़े हैं ये कैसे पहन रहे हो तो इतना कंजर्वेटिव थिंकिंग है उनका उसको छोड़ के एज एंड माई ग्रैंड फादर माई पेरेंट्स एंड एवरी वन एज एंड माई ग्रैंड फेरेंट्स उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि इसमें कुछ गलत नहीं पहना है इन्होंने तो वो जो दे जस्ट वेंट अगेंस्ट एवरी थिंग टू सपोर्ट अस दे माई पेरेंट्स एंड एवरी वन दे एंकरेज मी टू ड्रीम उन्होंने मुझे सपना देखना सिखाया है कभी रोका नहीं उन्होंने तो ये तो एक तो पेरेंट्स के लिए हो गया कि आप अभी आपको आपकी पुरानी सोच छोड़ देनी चाहिए एंड यू हैव टू आपका खुद का अगर जो पास्ट है उसको छोड़ दो एंड यू एनकरेज योर स्टूडेंट्स योर चिल्ड्रेन टू ग्रो एंड सेकेंड थिंग्स फॉर द फीमेल आई थिंक आई विल बी ग्लैड

दिस वॉज़ वन ऑफ द रीजन्स आई चोज लॉ कि ये जो है ना इसको कहीं ना कहीं से निकालना है और जब मुझ में वो ताकत आएगी तभी मैं किसी के अगेंस्ट बोल पाऊँगी एट दिस मोमेंट आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट एनी थिंग मेरी कोई सुनेगा भी नहीं क्योंकि वॉट हैव आई डन इफ आई एम डूइंग समथिंग इफ आई हैव अ पावर मेरी लोग सुनेंगे भी मानेंगे भी तो टू गेट दैट पावर यू हैव टू टेक दैट स्टेप एंड यू हैव टू हैव दैट करेज आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे but you have to have that strength and mental spirit to break them and move forward and they have to be independent yes they have to be independent in this society because uh that is they want is, to survive they want to really live their life they yes. have to be independent yes for sure like i've seen you as an you are also doing a very great job as an in, uh, independent woman i I'm, I'm admiring everyone as an you majorly uh, so as in you're so confident and that confidence i think it came when you got the exposure it's, it's very important very yeah. important to come out and to study to have your own career uh, for for both females and males but i feel women should be independent uh, so that they can live their life the way they want to exactly yes definitely it's very important for a woman to be independent uh, the Reliance Foundation is dedicated to empowering students from all backgrounds, helping them reach their full potential and excel academically. Whether your passion lies in science, the arts, technology, or any other field, the scholarship is your gateway to making significant strides. I congratulate you both for achieving Reliance Foundation Undergraduate Scholarship. Thank you so much for being here.